इस खबर में दिखाए गए दोनों वीडियो पर आप गौर करिए कि किस तरह से चाइनीज़ माजा बेजुबान पक्षियों के लिए जानलेवा बन रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा बाज़ारों में खुलेआम बिक रहे चाइनीज़ माजा पर किसी तरह के कोई प्रतिबंध नहीं होने की वजह से अभी भी चाइनीज़ माजा बाज़ारों में बिक रहा है और पतंग उड़ाने के लिए चाइनीज़ माजा काम में लेने से कई बेजुबान पक्षी चाइनीज़ माजा की वजह से मौत के ग्रास बन रहे हैं। दरअसल इन दिनों मकर संक्रांति की पर्व को लेकर चाइनीज़ माजा बाज़ारों में खुलेआम बिक रहा है, लेकिन प्रशासन के द्वारा भी चाइनीज़ माजा की बाज़ारों में बिक्री को लेकर भी कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से कई बेजुबान चाइनीज़ माजा की चपेट में आकर मौत के ग्रास भी बन जाते हैं। ऐसे में प्रशासन को और सरकार को चाइनीज़ माजा के खिलाफ सख्ती से इस चाइनीज़ माजा को रोक लगाने को लेकर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बेजुबान इस चाइनीज़ माजा की चपेट में आने से मौत के ग्रास बन रहे हैं, जिससे कि ग्रामीणों ने भी चाइनीज़ माजा के बाज़ार में बिक्री को रोक लगाने की मांग पूर्व में भी कई बार की जा चुकी है और अब भी बाज़ार में चाइनीज़ माजा की बिक्री होने से बेजुबान पक्षी चाइनीज़ माजा की चपेट में आने से कई पक्षियों की मौत भी हो जाती है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, जो चाइनीज़ मंजे उपयोग में ले रहे हैं उससे ये कबूतर फंस गया है। हमारा बिजली विभाग के कुछ अधिकारी आके इसे निकाल रहे हैं। आप इस तरह की गलती ना करें। कबूतर ने पकड़ लो यार, तू यार नहीं। हां बस क्यों कैची ले लो, कैची दे दो, इन कैची दे, अरे उड़ा लो, बोलिए तो बोलिया कि अरे नहीं नीचे लाओ, एक पगलू पूरा साफ करो, पचे उड़ाई दे नीचे ले आओ। थे वो है कि ब्लेड, एक तो ब्लेड मंगा लो, ब्लेड ब्लेड मंगा ले, आते ही जान नहीं करनी। मैं था भी दूसरा दे जीत ले, मैं अब बैठ गया तो तू कहीं नहीं हुआ, तू मेरे आगे उठता जाना है। कबूतर को बचाया गया, आवाज शाबाश निकल गया, आवाज आने कबूतर की जान चाहिए। पत्रकार साहब उड़ जा मेरे पक्षी।